जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता के थर्ड चैप्टर कर्म योग पे। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग में हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो अर्जुन ने देखा कि कौरव सेना में तो उसके सारे ही सगे संबंधी लोग हैं, उसके मित्र हैं, उसके ताऊ, उसके गुरु, उसके दादा भी हैं, और अपने ही लोगों को वो कैसे तीर से मारेगा। ऐसी बातें उसके मन को विचलित करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी बने हैं अर्जुन के महाभारत युद्ध में, अर्जुन की इस विचलित अवस्था को देखकर उन्हें जीवन के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। वहीं संजय, जिसके पास दिव्य दृष्टि है, वो सारी चीज़ों को, जो भी कुछ कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही है, वह महाराज धृतराष्ट्र से राजमहल में सारी बातों का वर्णन कर रहे हैं, जो कुछ भी घटना वहां पर घट रही है। सेकंड चैप्टर शांख योग में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, जीवात्मा के बारे में ज्ञान दिया, पांचों इंद्रियों के बारे में बहुत ही शालीनता से वर्णन किया। और फिर जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से स्थिर बुद्धि व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने स्थिर बुद्धि के व्यक्ति के बारे में भी उन्हें ज्ञान दिया। और अब हम आ चुके हैं थर्ड चैप्टर कर्म योग में। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसमें क्या ज्ञान दिया है, जो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और आज है हमारे साथ ऋषभ गुप्ता, जो संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करेंगे, और मैं हमेशा की तरह आपको उसका सरलता से मीनिंग बताता हुआ चला जाऊंगा हिंदी में। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस महान गाथा श्रीमद् भागवत गीता के थर्ड चैप्टर कर्म योग की। और ये रहा फर्स्ट श्लोक। अर्जुन वाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे मा नियोजसी केशव। अर्जुन उवाच का मतलब है अर्जुन बोले, यानी यह श्लोक अर्जुन ने कहा है। क्या बोले अर्जुन? हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, जब आपके नजर में ज्ञान कर्म से भी बड़ा है, ज्ञान का तात्पर्य जो है वो कर्म से भी बड़ा है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ज्ञान के बारे में, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के बारे में लगातार ज्ञान दिए जा रहे थे। तो वही बात को कटाक्ष में रखते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जब आपकी नज़र में ही ज्ञान बड़ा है कर्म से, तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों डाल रहे हो? यहाँ पे भयंकर कर्म का तात्पर्य है कि जो युद्ध लड़ना है मुझे, अपने ही सगे संबंधियों को मारना है, तो ये कर्म तो काफी भयंकर है, काफी बुरा है, तो मुझे आप इसमें क्यों ढकेल रहे हैं हे केशव? ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 2 में क्या है। व्यायमी श्रेयो वाक्यन बुद्धि मोहिषी में तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो हमापुर्याम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन लगातार पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं वो काफी मिली हुई है, कभी आप कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हो, कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो, ये दोनों ही बातें मुझे मोहित कर ले रही हैं, और मोहित के साथ साथ थोड़ा सा मुझे उलझन में भी डाल दे रही हैं कि कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। इस बात को लेके काफी मेरे मन में उलझन है हे केशव, और आप मुझे एक ही ऐसी बात बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारक हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 3 में क्या है। श्री भगवान वाच, लोके इसमें निद्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानक ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान उवाच, यानी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या बोले कि हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सरलता से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अभी तक दो प्रकार के ज्ञान का इस सांसारिक संसार में इस बात को रखा है, कौन सा, कि जो सांख्य योग है वह ज्ञान योग से प्रेरित है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है उसी के लिए वो सांख्य योग की पूरी पहलू बताई गई है, जिसमें आत्मा, इंद्रियां, जीवात्मा और स्थिर बुद्धि व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं वे कह रहे हैं कि योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, वहीं जो व्यक्ति कर्म में अपने परिपूर्ण है वही व्यक्ति योगी है। ठीक है दोस्तों, सो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 4 में क्या है, क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। न कर्मणा मनारंभा न नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च सन्नन्य सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।
मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। बहुत ही शानदार और शालीन लाइन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य न तो केवल अगर अपने कर्मों का अगर उसने शुरुआत कर दी तो उसको तुरंत ही निष्कर्मता यानी सांख्य योग की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, और ना ही के कर्मों का त्याग कर देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा की प्राप्ति होगी। समझ रहे हो? यानी जो मनुष्य सांख्य योग की ओर जाना चाहता है वह उसे लगातार जीवन में कर्म करते ही रहने होंगे, और वहीं जो व्यक्ति केवल कर्मों के त्याग मात्र कर देने से सोचेगा कि सांख्य निष्ठा की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। यानी भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा योग है, और इसी चैप्टर का नाम है कर्म योग। और यहाँ पर देखना भगवान श्री कृष्ण लगातार अब कर्मों के बारे में ही वर्णन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 5 में क्या है। न ही काचित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कारते हवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुरुणाय। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य इस जीवन में किसी भी काल में या किसी भी क्षण में कुछ न कुछ कार्य कर रहा होता है। अगर मैं ही यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ हूँ तो आपको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं कई कार्य कर रहा हूँ। पहला कार्य तो मैं बैठने का कर रहा हूँ, दूसरा कार्य में हो सकता है कुछ सोच रहा रहूंगा। यानी ये जो मनुष्य का जो जीवन है, ये सारी प्रकृति का जो रूपरेखा है वे सिर्फ कर्मों के लिए ही बनी हुई है। अब मुद्दे की बात यह है कि कौन सा व्यक्ति इस कार्य को और सरलता से और शालीनता से और बेहतरीन तरीके से करता है ताकि वह कर्म योग को प्राप्त हो सके। ठीक है, सो आइए देखते हैं गाइस श्लोक नंबर 6 में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। कर्म इंद्रियाणि समयम् या अस्ति मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि मूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण उन व्यक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो उन इन पांचों इंद्रियों को हट पूर्वक यानी जबरदस्ती अपने अपने ऊपर उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को, पांच इंद्रियों के बारे में वर्णन किया गया है, फिर से बता दे रहा हूँ, हमारी आंखें देखने के लिए, हमारे नाक सूंघने के लिए, हमारे कान सुनने के लिए कुछ, हमारी जुबान कुछ टेस्ट करने के लिए, और हमारी त्वचा कुछ महसूस करने के लिए। तो वे कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने अपने इंद्रियों को हट पूर्वक अपने वश में कर रखा है ऐसे व्यक्ति लोग मिथ्याचारी यानी दंभी कहे जाते हैं। इन इंद्रियों को आप योग से, आप अपने कर्मों से अपने वश में कर सकते हो, परंतु आप इन्हें जबरदस्ती अपने वश में नहीं कर सकते हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 6 में अर्जुन से कह रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 7 में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। यस्त्वि इंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्म इंद्रियः कर्मयोगं सक्तः स विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। देखे दोस्तों, अभी हमने पिछले श्लोक में देखा भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि इन इंद्रियों को आप जबरदस्ती अपने वश में नहीं कर सकते हो, ऐसे व्यक्ति लोग मिथ्याचारी हैं। वहीं यहाँ पर वो श्लोक नंबर 7 में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है वही अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ चला जाता है और वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने मन से अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा है और जो अपने कर्मों का पालन करता हुआ चला जाता है, ऐसे लोग श्रेष्ठ हैं, ऐसे लोग ही महान हैं। ठीक है दोस्तों, सो अब हम आ चुके हैं श्लोक नंबर 8 पे जो हमारे इस वीडियो का आखिरी वीडियो होने वाला है, सॉरी आखिरी श्लोक होने वाला है दोस्तों, और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 8 में क्या कहा है। नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो यहा कर्मण शरीर यात्रापि चेतेन प्रसिद्धेत कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। देखिए बहुत ही सरलता से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भैया आप अपना कर्तव्य कीजिए, अपना कर्म कीजिए,
ठीक है, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, यानी कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ काम है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, और अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपके शरीर को वो सुख और वो शांति प्राप्त नहीं होगी जो कर्म करने से होगी। यानी लगातार भगवान श्री कृष्ण का अब पूरा जोर कर्म की ओर है, और आगे भी जो इस चैप्टर में श्लोक्स आएंगे वो कर्मों पर ही आधारित होने वाले हैं, और बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों इन बातों को जानकर। जब हम इन्हें अपने जीवन में लागू करने लगेंगे तो हमें भी बहुत ही संतुष्टि मिलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, सो मिलेंगे अगले वीडियो में श्लोक नंबर 9 से लेके श्लोक नंबर 16 तक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म योग के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे होंगे, और आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया लग रही होंगी। और अगर ऐसा है तो वीडियोस को लगातार हमारे शेयर करते रहिए, ताकि और भी सनातनी भाइयों तक ये चीज़ें जा सके। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।